ओके फर्स्टली गाइस गुड टू सी यू. एक साल पूरा होने वाला है 30 अगस्त को. इट्स अ ग्रेट शो. बड़े अच्छे लगते हैं सब. लाइक मैं जब बात करता हूँ सभी महिला बहुत लोग फॉलो करते हैं राइट फ्रॉम द यंगस्टर्स टू हाउस ओल्ड. किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला इस एक सालों की बात करें नाउ एक साल पूरे होने वाले क्या कहना चाहोगे शो को? यार विशाल एक साल हो गए शो को. जैसे कि आपने ही कहा सभी बात करते हैं शो के बारे में. वहीं से समझ आ जाता है कि लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं. एंड आई थिंक इन टुडेज टाइम्स फॉर अ शो टू हिट अ ईयर विच इज़ अबाउट 260 एपिसोड्स. या वी फिनिश 60. या 260 ऑड एपिसोड्स. इट फील्स आई फील ओल्ड. या सडनली 250 एपिसोड. डिड यू इमेजिन? नहीं ऑनेस्टली. या लाइक बिकॉज़ Like he said, it's not a usual, मतलब आजकल इतनी कॉमन बात रही नहीं है कि शोज इतने लंबे चले बिकॉज यू नो हाउ इट इज. बट बीइंग ऑन एयर फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर इज एंड बीइंग लव्ड. या एंड बीइंग लव्ड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक फील्स अमेजिंग. एंड आप दोनों की केमिस्ट्री बात करें इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस. पहले भी शो आप लोगों ने किया था. ये शो को जब आप लोगों को पता चला कि आप लोग फिर से रीयूनियन करने वाले और शो के बारे में क्या था थॉट प्रोसेस आप लोगों की? Actually, I was very happy. मुझे मेरे लिए the show, everything happened so quickly. I think within 15 days, yeah, I was approached, I was chosen, and then I was on set. And that too in middle of my wedding. तो मैं तो ऐसे 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 कैसे शो में आई हूँ मुझे पता है. बट आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई न्यू दैट ही इज़ ऑन बोर्ड. एंड उससे एक महीना पहले हम लोग मिले थे एंड यू आर डिस्कसिंग व्हाट्स हैपनिंग व्हाट आर यू डूइंग. दैट टाइम वी हैड नो आइडिया वी आर गोना डू द शो टुगेदर. आई रिमेंबर यू आस्किंग व्हाट इज योर प्लान. आई सेड मैं टीवी तो नहीं कर रहा अभी. या आई रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन. एंड देन लेटर व्हेन वी डिड दिस आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू आस्क्ड मी यू न्यू अबाउट दिस. आई सेड नो आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस. आई आस्क्ड हिम यू न्यू एंड ही इज लाइक आई हैड नो आइडिया. सो जीरो. It was amazing and it was a very happy surprise. And Ram aur Priya ka kirdaar ki main baat karu jo pehle Ram aur Priya ka kirdaar tha unko kaafi pyar mila tha. Ek jan ko jaisa replace karna it's a part 2 to kitna challenging tha like starting phase mein. Honestly we've not replaced them because it's a different. I mean, yes the name of the show is same but and that's an iconic show like yeah. We're not even not trying to be them or trying to replace them. The story was okay. The broad story would be the same but our characters are very different especially mine. His too. My Priya is very different from what the season 1 mein jo Priya thi. And yeah so I did not take any pressure like that ki oh hame replace karna hai ya unki jagah leni hai. No. Hamare liye to fresh kahani kyunki hum pehli baar kar rahe hain. You know pehle wo jo show dekha tha wo as an audience dekha tha. Correct. But now as an actors you approach it very differently. But what was your thought process for like Ram ka kirdaar jo Ram ne nibhaya tha kafi different kirdaar tha. Is Ram ke kirdaar kafi different hai. Aapka thought process kya tha when you got to know about the show? मेरा थॉट प्रोसेस काफ़ी सिंपल था कि इसे मैं कैसे खूबसूरती से सादगी से प्ले कर सकता हूँ. एंड मेरा वही आई थिंक सादगी से तो नहीं किया. राम कपूर बहुत अमीर है शो में. बट नो सादगी वाली बातें ना करें. सादगी इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग इट द ईज ऑफ प्लेइंग इट यू नो व्हाट आई एम सेइंग. यू कैन आल्सो राम कपूर कुड आल्सो बी दिस हाई स्ट्रांग बिजनेसमैन व्हिच शिवाय वाज. लाइक राम इज नॉट. राम इज वेरी राम इज क्यूट. सो बट आई मीन दोज आर कॉन्शियस things I chose to do and to usme koi pressure laga hi nahi yaar kabhi kyunki you are not ever competing. Ram and Sakshi are both like icons and legends yeah, in our you in don't our industry, compete right? with them. They are our seniors like we have grown up watching them. Yeah so there is no like it's disservice to them agar aap bolo ki there's no competition. We are just trying to make sure ki उन्होंने जो इतना अच्छा खूबसूरत नाम बिल्ड किया था उसे हम खराब ना करें. पर जिस तरह का प्यार मिला प्यार मिल रहा है एक सालों में काफी अमेजिंग है राइट ऑन द टॉप. बट मैं आपसे जानना चाहूंगा राम के जो किरदार है और आपका जो रियल लाइफ किरदार है कौन सी क्या चीज आपको लगता है कि सिमिलर है? यार कोई भी एक्टर जब रोल प्ले करता है मुझे ऐसा लगता मेरा ऐसा मानना है तो कहीं ना कहीं उसकी जो इमेजिनेशन होती है उसकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रियल लाइफ से ही लेता है ना. राइट. तो कहीं ना कहीं जो आपका बेस होता है वो आप अपनी लाइफ का एक फैसेट यूज कर लेते हो या एक चीज यूज कर लेते हो. अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर वो आपका नहीं होगा. फिर तो कोई भी कर सकता है. अगर आकाश करेगा वो भी सिमिलर होगा. पर अगर आकाश कर रहा है वो अलग होगा क्योंकि आकाश इंसान अलग है. तो जब उसके थ्रू राम का कैरेक्टर जाएगा तो वो अलग कैरेक्टर होगा. राइट. सो कहीं ना कहीं आई डोंट नो कि नो वन वी आर नॉट हियर टू प्ले आर ओन सेल्व्स. बट कहीं ना कहीं यू एंड अप यूजिंग ट्रेट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी विच सिट वेल विद अ कैरेक्टर
एंड देन इट फील्स मोर ऑथेंटिक टू यू ऑल्सो. इट डजंट फील लाइक कि आप कुछ और बना रहे हो, किसी और को कॉपी कर रहे हैं. आप बना रहे हैं जो आपसे आपकी जड़ से निकला है, और फिर आप उसको अलग अलग एम्बेलिशमेंट्स देते हैं. एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योर रोल सिमिलर टू योर ओन पर्सनल लाइफ? आई ऑनेस्टली चलते के बीच में सॉरी दैट वाज फॉर यू दैट वाज फॉर नथिंग Twice she came and told him, "Chal, chal, khatam karo, chal." Sorry. Yes. No. About similarities, yeah. Right? Honestly, मुझे शुरू में लगता था there were some things which I felt were quite similar. Now, if you ask me to point out, I also don't like Rains like Priya did not like. There were some characteristics जो जिससे मैं समझती थी and I used to relate to. So yes, it becomes a little easier because you are like, अरे ये तो मेरे जैसी है. This I think and I do the same thing. ऐसा कई बार होता है. So yeah, that happened with me. इस हफ्ते की बात करूँ, काफी सारी चीजें हुई. राम करीब आ रहे, हल्दी चल रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है. आने वाले हफ्ते में like there are so many things to come out. किस तरह से देख रहे हो like next week की बात करूँ और इस week की बात करूँ, उसमें कुछ बोलना चाहोगे आपको? यार honestly इस शो पे ना हर हफ्ते कुछ exciting चीज हो रही होती है. And especially after the leap, there's a lot we are trying to do on the story. Yeah. I think जो show के viewers हैं और fans हैं उन्हें बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमें actually पिछले एक हफ्ते से जो हम shoot कर रहे हैं, हमें करने में बड़ा मजा आ रहा है. Yeah. Especially हम एक कल scene shoot कर रहे हैं. Actually कल and you remember another scene? Yeah. There are 2-3 scenes which we are really looking forward. We've really enjoyed and when you're doing a long standing television show, rose up. जो करते हो वो एक्साइटिंग शायद ना हो, बट हफ्ते में 2-3 ऐसे सीन्स मिल जाए ना तो आप यू फील डैम एक्साइटेड. इस हफ्ते तो बहुत मिले हैं. 5 साल का लीप आया, लाइक इट्स अ बिग थिंग. लीप लाना कोई भी शो में काफी डिफिकल्ट होता है, लाइक काफी नए किरदार आता है. किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोग को मिला लीप के बाद? यार लोगों को आई थिंक शो पसंद आ रहा है. अच्छा ही लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है by going by what you know people say when I meet them. और वो मुश्किल क्या होता है यार, आपका काम है ये as an actor. जैसे आपके लिए अलग सवाल पूछना मुश्किल थोड़ी होता है, तो आपका काम है as a reporter. तो वैसे ही आपको अपने आप को ढालना पड़ता है. एंड इट्स एक्साइटिंग क्योंकि वो मोनोटनी भी टूटती है, क्योंकि आप वही कर रहे होते हो, नहीं तो यहाँ पर नई चैलेंज. आई फील हैप्पी व्हेन अ लीप कम्स और समथिंग न्यू कम्स, बिकॉज़ देन यू आर लाइक ओह देयर इज समथिंग न्यू टू डू. लाइक हमारे रिलेशनशिप में अभी बदलाव है, चेंजेस है, वी कैन फाइंड न्यू थिंग्स इन आवर सीन्स. इट्स एक्साइटिंग. लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू द ऑडियंस फॉर हु आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीक? उन लोग के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए. नेक्स्ट वीक एक्चुअली लाइक ही सेड, हम लोग वी हैव बीन शूटिंग सम रियली गुड सीन्स जो आने वाले अगले हफ्ते. स्टोरी में बहुत कुछ हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा. प्लीज आप हमें अपने रिव्यूज जरूर दें. नकुल को ज्यादा पता है, मुझे कम पता. प्लीज टैग हिम एंड आई विल आस्क. तकलीफें मुझे दें, आपका प्यार इन्हें दें. इनका कहने का मतलब मुझे आप तकलीफें भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट या आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग वीक. थैंक यू सो मच. थैंक्स यार अंबानी साहब. योर लास्ट 3 पोस्ट आर ग्रेट. वाओ लास्ट 3. अजय अच्छा द स्टोरी टेलिंग. थैंक्स मैन.